विश्वकर्मा पूजा हमारी परंपरा में बहुत प्राचीन काल से मनाई जाती है। 10 बजे से पहले यदि हम पूजा कर लेते हैं तो यह सबसे शुभ समय है। विश्वकर्मा के संबंध में जो हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया है कि श्वेत और पीत माने उजला और पीला रंग इनके लिए बहुत शुभ है। यह ध्यान हमें रखना होगा कि फल फूल आदि जो भी हम चढ़ाएं वो या तो उजला रंग का हो या पीला रंग का हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। इस बार विश्वकर्मा पूजा का मुहूर्त क्या है, किस तरीके से मनाना है और साथ ही विश्वकर्मा का महत्व क्या है, इस पूजा का महत्व क्या है, इस विषय में हम जानने वाले हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है महावीर मंदिर के आचार्य भावनाथ झा जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। विश्वकर्मा वैदिक देवता हैं और वैदिक साक्ष्यों के अनुसार वे अस्त्र बनाने वाले, किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य करने वाले देवता विश्वकर्मा हैं। इंद्र सूक्त में ऐसा उल्लेख आया है कि इंद्र ने जो वज्र से वृत्रासुर का संहार किया था, उस वज्र को बनाने वाले विश्वकर्मा हैं। इंद्र के प्रति एक उक्ति है, त्वष्टास्मै स्वर्यं वज्रं ततक्ष। इस तरह है विश्वकर्मा नव निर्माण के देवता हैं, आयुध अस्त्र शस्त्र के देवता हैं, किसी प्रकार की जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, उसके देवता हम लोग विश्वकर्मा को मानते रहे हैं। और आज भी हम विश्वकर्मा की पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विगत 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाने का उल्लेख हमें मिलता है। 1841 ईस्वी का एक रिकॉर्ड हमें मिला है जिसमें 17 सितंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कामगार थे, जो मजदूर थे, उन्होंने अपने औजार की पूजा की थी। दूसरी परंपरा हमें बंगाल में मिलती है कि यहाँ पर जब दुर्गा पूजा आश्विन कृष्ण नवमी तिथि से आरंभ होती है तो उसी नवमी के दिन आयुध पूजा होती है। एक बार की बात है कि यह आयुध पूजा का दिन भी 17 सितंबर को ही पड़ा, तो दोनों विश्वकर्मा पूजा और आयुध पूजा दोनों की परंपरा एक साथ आ गई। इस तरह से 19वीं शताब्दी से वर्तमान विश्वकर्मा पूजा का रूप आरंभ हुआ है। हालांकि उससे पहले के जो ग्रंथ हैं इसमें भी हमें विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने का उल्लेख मिलता है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है चंडेश्वर कृत्य रत्नाकर, जिसमें मैंने ऐसा उल्लेख देखा है। इस प्रकार विश्वकर्मा पूजा हमारी परंपरा में बहुत प्राचीन काल से मनाई जाती है और इसकी एक परंपरा हाल में विकसित हुई है। लोग यह मानने लगे हैं कि भाद्र महीने की जो संक्रांति होती है उस संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा मनानी चाहिए। यदि हम संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाने की परंपरा रखते हैं तो यह 18 को है,
नहीं 17 सितंबर वाली परंपरा मानते हैं तो 17 सितंबर को यह पूजा होगी। इस दिन घर में जो भी औजार हैं, जो भी तकनीक संबंधी वस्तुएं हैं, सबकी पूजा होती है और उनमें निहित विश्वकर्मा देवता की पूजा होती है। पूजा का इस बार शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है, समय क्या है, कितने समय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना है? देखिए, सामान्य नियम है कि पूजा प्रातः काल की वस्तु है। यदि हम दिन को 3 भागों में बांटते हैं तो इसका पहला जो भाग है वह पूर्वाह्न कहलाता है, बीच का मध्याह्न और अंतिम अपराह्न होगा। तो हमें उस हिसाब से 10 बजे से पहले यदि हम पूजा कर लेते हैं तो यह सबसे शुभ समय है। और पूजन में सामग्री क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जैसा कि आपने बताया घर में जो चीज़ें हैं, जो अस्त्र शस्त्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसका इस पूजन करना है इस दिन। ऐसे में जो फैक्ट्रियां हैं, वैसे लोग जो लोहा लक्कड़ का काम करते हैं, वो लोग पूजा की विधि विधान क्या कर सकते हैं, नियम क्या है, और उसमें जो सामग्री है वो क्या रख सकते हैं? विश्वकर्मा के संबंध में जो हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया है कि श्वेत और पीत, माने उजला और पीला रंग, इनके लिए बहुत शुभ है। यह ध्यान हमें रखना होगा कि फल फूल आदि जो भी हम चढ़ाएं वो या तो उजला रंग का हो या पीला रंग का हो। लाल रंग का विधान विश्वकर्मा के लिए मुझे नहीं मिला है। वस्तुतः है आज से 500-600 वर्ष पहले के ग्रंथों में हमें ब्रह्मा के साथ विश्वकर्मा की पूजा का उल्लेख मिलता है और मूर्ति का जो रूप है उसमें भी ब्रह्मा के साथ बहुत हद तक इनका रूप मिलता है। अंतर इतना ही है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं और विश्वकर्मा को 1 मुख माना गया है, बाकी आकृति 1 जैसी होनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने बतलाया है। और वहीं पर कहा गया है कि पीला और उजला रंग का व्यवहार करना चाहिए। अब आपके स्थानीय उपलब्धता की दृष्टि से आप सोच लें कि आप उजले रंग का क्या फल चढ़ाएंगे, आपके आसपास कौन से फल उपलब्ध हैं, कौन से फूल उपलब्ध हैं, यह आपके लोकेलिटी पर निर्भर करता है। तो आपने सुना आचार्य जी को, जिन्होंने पूरी बात बताई है विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में बताया है, पूजा किस तरीके से इस बार करनी है, पूजा कब पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त क्या है, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।